मार्वल के सुपर हीरो जब मिलते हैं तो एक एवेंजर की टीम बना देते हैं, लेकिन जब वो हटते हैं तो मार्वल ही खाली कहलाते हैं। तो हाल फिलहाल में ही लॉकी की वेब सीरीज का एपिसोड 1 हो चुका है रिलीज, जिसका रिव्यू लेके मैं रोहित राज हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपको पता तो चल गया लॉकी के ऊपर वेब सीरीज आई, तो यानी कि पूरी कहानी लॉकी की ही होने वाली। अब होगी क्या वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा स्टोरी प्लॉट भी आपको सुनाता हूँ। देखो सिंपल सी स्टोरी है, क्या है लॉकी। अब लॉकी है ना, जो आपने एंड गेम देखी होगी उसके अंदर टेसरेट को लेकर भाग जाता है, यानी कि उन पंच मणियों में से एक मणि को लेकर बेचारा भाग जाता है। और भागने के बाद अब उसे TVA यानी कि टाइम वेरियंट अथॉरिटी उसे कर लेती गिरफ्तार, और गिरफ्तार करने के बाद देती है उसे कुछ ऐसी कठोर सजा जो भाई आपको सुनकर भी हैरानी होगी। लेकिन आपको ट्रेलर देखने के बाद ही चल गया होगा कि वो सजा नहीं, वो शायद हेल्प ले रही है। अब TVA ये क्या है, एक टाइम वेरिएंट अथॉरिटी है, और इसका काम क्या होता है कि जो भी टाइम में छेड़छाड़ करता है उसको बेचारी गिरफ्तार कर लेती है, ऐसा लगता होगा आपको। लेकिन एवेंजर ने किया तो सबको उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, खाली लॉकी को ही क्यों किया। अब ये भी आप सोच रहे हो क्योंकि मैं खुद ही यही सोच रहा हूँ। तो बस ये दिखाया गया है कि लॉकी को सजा मिल रही है या भाई मजा ले रहा है। जी हाँ, और उसके अंदर एक थोड़ा सा स्पॉइलर बता दूँ, बताया गया है कि लॉकी का ना एक और अवतार है जो कि भाई घूम रहा है दुनिया में हत्याएं करता हुआ। जी हाँ, ये छोटा सा स्पॉइलर समझ लीजिएगा। और ओवरऑल मैं इस वेब सीरीज का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसकी बात कर लूँ तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने वाली है, बट इंप्रेस तभी करेगी अगर आपने इसके पहले के यानी कि 10 साल पहले से मार्वल चल रहा है पता ना आपको, अगर सारे पार्ट देख रखे हैं तो ही आपको इंप्रेसिव कर लगने वाली है। बाकी तो देखो इसकी लेंथ वगैरह मुझे तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी और बेहतरीन लगी है। जी हाँ, वही बात करूँ इसकी प्रेजेंटिंग का तरीका, तो भाई वहीं से शुरुआत की गई जाए एंड गेम में बिल्कुल, यानी कि वो हीरो तक दिखाए गए जो एंड गेम में थे, यानी कि एवेंजर तक इसमें दिखाए गए। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इसकी प्रेजेंटेशन थी, और पूरी ओवरऑल बात कर लूँ पूरी फुल ऑफ एक्शन धमाका, और भाई साहब पूरा का पूरा इसके अंदर इमोशनल डाल दिया गया है अपने लॉकी भाई का, जो कोई देखता ही नहीं सुनना ही नहीं चाहता, यानी कि लॉकी भाई को कोई लेना ही नहीं चाहता दिल पे। तो ओवरऑल वेब सीरीज की बात करूँ, एक बढ़िया बेहतरीन भयंकर वेब सीरीज इन्होंने बना के तैयार कर दी, और इसका दूसरा पार्ट आते हैं हम आपके लिए रिव्यू लेकर हाजिर होंगे। तो मैं रोहित राज आपको जरूर मिलूंगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।